हम देखो कितनी आसानी से निकल गए, बहुत नज़दीक से निकल रहे हैं लेकिन निकल गए, ये देख सकते हो। ये हो गया, उसके बाद अब यहाँ से देखो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। मैं अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग ना लेफ़्ट करा ना राइट करा, मेरी गाड़ी का ORVM उस गाड़ी के ORVM से इतना डिस्टेंस पर निकला होगा। दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नए वीडियो में, मैं हूं आपका दोस्त अमित। कई लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन करे थे कि सर लेफ्ट साइड का जजमेंट आप नहीं बताते हो, लेफ्ट साइड का जजमेंट बताइए। तो मैं आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट आज बताने वाला हूं, और मैं अभी तक लेफ्ट साइड का जजमेंट क्यों नहीं बताया हूं उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूं। क्योंकि दोस्तों आप लेफ्ट साइड का जजमेंट जो होता है ना, टाइम बाय टाइम ऑटोमेटिकली ही आपके पास आ जाता है। जैसे जैसे आप गाड़ी चलाने लगते हो खाली रोड पे, भीड़ भाड़ वाले रोड पे, तो वहाँ पे सब सारी चीज़ें आपको जज आने लगती हैं। कोई ट्रिक्स आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने कमेंट करा था, तो आज मैं आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ। इन तीनों तरीके से आप अपनी लेफ्ट साइड का जजमेंट कर सकते हो। ये ट्रिक्स जो होती है ना, आपने कई सारे YouTube पर वीडियोस देखे होंगे, उसमें ट्रिक्स बताते हैं कि लेफ्ट साइड का आप आराम से जज कर सकते हो, फ्रंट का आप आराम से जज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस के साथ आती है, आप यहाँ पे कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कब? जब आप ट्रैफिक में हो या फिर मूविंग ट्रैफिक में हो, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली टेक्निक मैं आपको बताता हूँ स्टीयरिंग वाली। अब स्टीयरिंग से जज कैसे करोगे? आपको आई होप ये वाइट पट्टी दिख रही होगी, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा कि नहीं कर पा रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताता हूँ। ये जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का जो ये वाला हिस्सा है ना, इससे यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन एज्यूम करोगे ना, तो यहाँ पे जहाँ तक आपका बोनट दिखाई दे रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ तक मेरा बोनट दिखाई दे रहा है, बोनट के बाद सीधा मुझे दिखाई दे रहा है रोड की वाइट पट्टी, या फिर आप बोल सकते हो रोड। अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वाइट पट्टी के ऊपर मैं उधर से आया हूँ और मैंने यहाँ गाड़ी रोकी है, तो ये वाइट पट्टी के ऊपर मेरा टायर हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मैंने एक अंदाज़ा लगाया। तो ये वाला जो मेरा हाथ की स्ट्रेट लाइन है ना, वो सीधे जा रही है इस वाइट पट्टी के ऊपर। अब ये वाला जजमेंट कितना सही है हम बाहर चल के देखते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये वाइट पट्टी के ऊपर ही मेरा लेफ्ट वाला टायर है, एक्यूरेट पोजीशन पे है। अब ये अंदाज़ा मेरा कैसे हुआ? स्टीयरिंग का जो है, ये जो स्टीयरिंग है इसका ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे और वहाँ से आप क्रॉस में देखोगे, तो क्रॉस में यहाँ से देखोगे तो पॉइंट यहाँ बनता है और यहाँ बनता है, और यहाँ से आपको यहाँ तक दिखता है, यहाँ से फिर आपको पोजीशन दिखती है यहाँ पर कहीं पर। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाला जो टायर है मेरा बिल्कुल लेफ्ट वाली पट्टी के ऊपर है। अब ये हो गई पहले वाले की बात। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वाला जो तरीका है आप भीड़ में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर आप शुरुआती दिनों में हो तो ये तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। वो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको फुट मूवमेंट भी संभालना होता है, आपको सामने भी देखना होता है, चारों ओर गाड़ियां भी देखना होती है, तो इतना आपका माइंड शार्प नहीं होता है ड्राइविंग में जब आप शुरुआती दिनों में होते हो, तो ये जज नहीं कर पाते हो। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका एज यूजल वही वाला है, सेंटर पॉइंट वाला। जो भी ऑब्जेक्ट है सेंटर पॉइंट के इधर होगा वो अनसेफ जोन में, डेंजर जोन में, मतलब आपकी गाड़ी उससे टच हो सकती है। सेंटर पॉइंट के इधर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो समझ लीजिए सेफ जोन में, मतलब वहाँ से आप गाड़ी निकाल सकते हो। आगे जैसे एक ये बाइक वाला खड़ा है, उसके आगे एक ऑटो भी खड़ा है, चलते हैं सेंटर पॉइंट का सहारा लेते हैं, देखते हैं इनसे हम टच होते हैं कि निकल जाते हैं। ठीक है, पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी उम्मीद है कि कर पाएगा। अब जैसे दोस्तों अभी ये सामने देख सकते हो, अभी जो ये बाइक वाला खड़ा है ये सेंटर पॉइंट से इधर दिख रहा है, देख सकते हो आप मेरे दोनों हाथों के बीच में, देखो ये दिख रहा है। अब सेंटर पॉइंट से इधर जब तक नहीं आ जाता मेरे को राइट में इधर गाड़ी काटनी पड़ेगी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी काट लेता हूँ। अब जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे एकदम सेंटर पॉइंट पे ये बंदा खड़ा है, मतलब मेरी गाड़ी उससे टच हो सकती है। ठीक है, अब मैं सेंटर पॉइंट से इस गाड़ी को थोड़ी सी इधर करने की कोशिश करूँगा, मतलब मैं अपनी गाड़ी को इस साइड लेकर के आऊँगा। तो ये देख सकते हो अब ये जो बंदा है, ये बंदा सेंटर पॉइंट से बिल्कुल इधर हो चुका है। अब यहाँ से हम गाड़ी आराम से निकाल सकते हैं। ये देखो कितनी आसानी से हमारी गाड़ी निकल गई। ठीक है,
यही चीज़ हम ये ऑटो के साथ करते हैं। अभी जैसे कि सेंटर पॉइंट के इधर आ गया है तो हमको नहीं जाना है, अभी हम थोड़ी सी इधर लेते हैं। देखिए सेंटर पॉइंट के इधर चला गया, हम देखो कितनी आसानी से निकल गए, बहुत नज़दीक से निकल रहे हैं लेकिन निकल गए, ये देख सकते हो कितनी नज़दीक से हम निकले। तो ये तरीका भी अच्छा है, सेंटर पॉइंट का आप ले सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक बार और कि भीड़ में ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, भीड़ में, क्योंकि ऑब्जेक्ट रहते हैं वो रनिंग कंडीशन में होते हैं। जैसे कोई साइकिल वाला चल रहा है, कभी चलता है, कभी लेफ्ट में आता है, फिर राइट में आता है, तो वहाँ पे आपका जजमेंट गड़बड़ा जाता है। ये दोनों ट्रिक्स जो है, ये ट्रिक्स सिर्फ खाली रोड पर ही इस्तेमाल की जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरी ट्रिक की, जो कि जनरली मैं यूज़ करता हूँ, जो मोस्टली जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं? जब एकदम बम्पर गर्दी हो, मतलब खूब ज़्यादा ट्रैफिक हो वहाँ पे, क्योंकि जैसे खाली रोड पे आपको जजमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खाली रोड है, आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन जैसे ट्रैफिक वाला एरिया है, बम्पर टू बम्पर वाला एरिया है, वहाँ पे आपको सहारा लेना पड़ेगा अपने ए पिलर का, लेफ्ट साइड का ए पिलर। अब मैं इसका सहारा आपको लेकर के बताता हूँ और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढता हूँ और जहाँ से हम गाड़ी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये दिख रहा होगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा खुदा हुआ है, हम इसी को एक जजमेंट ले लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर मैं अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश करूँगा। आप देखना, अगर झटका लगे तो बताना, क्योंकि गड्ढे में उतरेगी तो झटका लगेगा। झटका नहीं लगा मतलब मेरी गाड़ी आराम से निकल गई। अब आप बोलोगे तो आपने सेंटर पॉइंट लिया होगा। नहीं, मैंने सेंटर पॉइंट देखा ही नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस के साथ आएगी, आपको जजमेंट के लिए कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जजमेंट की ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आपको ट्रिक लगाना पड़ेगी, आपको बस अपनी गाड़ी के एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, आपकी सीटिंग से आपका बोनट कितनी दूरी पर है, आपकी सीटिंग से लेफ्ट साइड का ORVM कितना खुला हुआ है, बस ये चीज़ आपको पता चल गई ना तो आप आराम से लेफ्ट साइड का जज कर पाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हमको यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई मिल गई है, वैगनार। अब हम यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड का जज कैसे करूँगा। मैं धीरे धीरे चलता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बम्पर टू बम्पर में होती है। देखो अभी सेंटर पॉइंट से इधर है, मैं निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे आके हमको समझना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ए पिलर है कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरा ए पिलर उस गाड़ी से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद अब यहाँ से देखो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। मैं अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग ना लेफ्ट करा ना राइट करा, मेरी गाड़ी का ORVM उस गाड़ी के ORVM से इतना डिस्टेंस पर निकला होगा, मुझे अंदाजा है। क्यों? क्योंकि मैंने ए पिलर को बचाया है, मेरे को बस ए पिलर बचाना है बस। तो ये तरीका है लेफ्ट साइड का जजमेंट का, ये तीन तरीके हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ी को चलाएं। लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। एक्सपीरियंस के साथ साथ ये जजमेंट आपकी और तगड़ी होती जाएगी। आई होप आपको मेरे सारे जजमेंट की ट्रिक्स समझ में आई होगी और आप इसको इस्तेमाल करेंगे शुरुआती दिनों में। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लंबे समय तक इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करो, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको आने लगेगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।